हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन। बिग बॉस सीजन 16 में मिस इंडिया रनर अप रह चुकी 2020 मान्या सिंह की हुई धमाकेदार एंट्री। जैसे ही मान्या ने एंट्री ली तो हर किसी को लगा कि भाई मान्या तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्टाइलिश है, लेकिन ये क्या, मान्या दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल दिखती हैं, असल में वो है उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट। उन्होंने बीते दिनों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जो कि भाई किसी की भी आंखों को फटी की फटी रख सकते हैं। दरअसल बीते दिनों मान्या सिंह ने घर में किए हैं कई छोटी छोटी बातों पर झगड़े, और बीते दिनों तो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी जब उन्होंने झगड़ा किया सुजिता डे के साथ। दरअसल मान्या ने सुजिता डे को कर दिया पर्सनल अटैक, और वो भी उनके प्रोफेशन को लेकर। मान्या ने कहा कि भाई तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस हो, तुमने किया क्या है। और जब से उनका ये जो कमेंट था वो सब तक पहुंचा, भाई टीवी एक्ट्रेस ने तो मान्या की क्लास लगानी ही शुरू कर दी। चाहे उसमें अर्जुन बिजलानी का नाम शुमार हो, काम्या पंजाबी हो, गौहर खान हो, और अब इस लिस्ट में देवोलीना भट्टाचार्य जी यानी कि बिग बॉस सीजन 13 की जानी मानी कंटेस्टेंट देवो का नाम भी शुमार हो गया है। देवोलीना को भी आ गया है गुस्सा और उन्होंने एक ट्वीट करके मान्या सिंह की लगा दी है क्लास और कहा है कि ये तुम जो भी बोल रही हो, बोलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम अपने मुंह से क्या शब्द निकाल रही हो, क्योंकि तुमने जो टीवी को पॉइंट आउट किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। टीवी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का, और तुम्हें अपनी लिमिट्स को नहीं क्रॉस करना चाहिए। वाकई में मान्या सिंह पर इस तरीके से अब देवो का जो भाषण आया है सामने, इससे तो साफ हो गया है जो मान्या को पता चलेगा ये तमाम लोगों के रिएक्शन के बारे में, तो उन्हें हो जाएगा खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।